सब्सक्राइब कीजिए एक्सपेक्टेड बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाइए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदी की टाइप कैसे करते फिल्मोरा में, जो कि एक मैंने सबसे बेस्ट तरीका चुना है कि पूरे वर्ल्ड में नहीं यार, पूरे वर्ल्ड में हिंदी क्या करेगा, इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट तरीका क्या है हिंदी टाइप करने का फिल्मोरा में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इंग्लिश टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो ऑटोमेटिकली हिंदी रेफरेंस आ रहा है तो हिंदी हो जा रहा है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, हिंदी टाइप करके टाइम ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंग्लिश टाइप करिए हिंदी में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात बता दो, इस चैनल पे मैं फिल्मोरा, फोटोशॉप, वेगस और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्टाफ का ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। वैसे आपको तीन चीज की जरूरत है, ठीक, एक तो आपका गूगल इनपुट टूल, दूसरा हो गया आपका ये यूनिकोड टू क्यूटिटिव कन्वर्टर, और आपका क्यूटिडेव जो आपका हिंदी फॉन्ट है वो वाला, ठीक है। तो तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक तो मैंने रेयर फाइल अटैच करके दिया है जिसमें आपको तीनों मिल जाएगा, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से तीनों को इंडिविजुअली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ये गूगल टेक्स्ट इनपुट है, यहाँ पे क्या है, जो इंग्लिश लिखेंगे लेकिन वो हिंदी आ जाएगा। तो ये आपको करना है डाउनलोड, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए ये फॉर योर पीसी डाउनलोड फॉर विंडोज यहाँ पे जाना है और आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है यूनिकोड टू क्यूटिडेव कन्वर्टर, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो वर्ड है हिंदी का जो कि कॉम्प्लेक्स वाला वर्ड है, जो मात्रा ये वो सब अच्छे से नहीं आएगा, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक ऑनलाइन भी होता है लेकिन ऑनलाइन बार बार कौन करेगा, इसलिए मैं ऑफलाइन प्रीफर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाले इसका लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे ऑफलाइन डाउनलोड फाइल के लिए क्लिक करें, इसको खोलने के बाद आपका मीडिया फाइल का लिंक खोल जाएगा, वहाँ पे आराम से डाउनलोड हो जाएगा। और ये हो गया आपका क्यूटिडेव 10 फॉन्ट, ये भी यहाँ से डाउनलोड करना है हो जाएगा, सब कुछ लिंक दिया हुआ है। फिर चलते हैं इसको इंस्टॉलेशन में। देखिए मेरे यहाँ पे देखिए इंग्लिश, अभी मेरे पास इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं है। दोस्तों देखिए बाकी बहुत प्रोसीजर है ये सब करने का, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा है, बहुत ट्राई किया, बाकी प्रोसीजर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आता ही है, इसलिए मैं ये बेस्ट चूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, इंग्लिश टाइप करो हिंदी हो जाएगा। वैसे दिखाते हैं तो सबसे पहले ये इनपुट टूल, दोस्तों पहले आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा, जो गूगल टेक्स्ट इनपुट है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, तो वैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, ओके फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, बहुत कम साइज की फाइल है। तो दोस्तों उसके बाद आपको करना है ये जो भी आपका क्यूटिडेव है यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, आपका काम हो जाता है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है मैं नहीं करूँगा। फिर चलते फिल्मोरा में, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में गया, ये कोई भी टेक्स्ट ये उठाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको मैंने ये टेक्स्ट में डबल किया, यहाँ पे मैं से लिखता हूँ कि क्या कुछ भी लिखूँ, होना तो इंग्लिश में है। तो अब करना ये है कि मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखिए आपके पास ये गूगल इनपुट टूल्स हिंदी वाला आ गया है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, वो चीज़ ही है जो मेन कमाल करेगा। यहाँ पे अब से मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब, इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे हिंदी में रेफ़र कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो सही लिख रहा है लेकिन यहाँ पे सही नहीं हो रहा है कि वो जो कम्प्लेक्स है उसका जो मात्रा है ये सब सही नहीं हो रहा है हिंदी में, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए आपको इसको करना होगा कॉपी, मिनिमाइज करिए, यूनिक्रूटीज में चलिए, ओके इसको, हाँ तो यहाँ पे जो यूनिकोड है इसको क्लियर करिए पहले, तो फिर यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, और ये कन्वर्ट टू क्यूटिडेव, ये जो क्यूटिडेव हुआ ये मैंने कर दिया, फिर से कॉपी, फिर फिल्मोरा में, और यहाँ पे आप कुछ कर दीजिए क्लियर, फिर कर दीजिए पेस्ट। अब देखिए ये क्या आ रहा है, IISELC क्या है ये सब, इसे कोई नहीं ये सिलेक्ट कर लीजिए पूरा को, इसको खोलिए ये फॉन्ट को, के दबाइए, यहाँ पे आपको जो क्यूटिडेव वाला हिंदी फॉन्ट है, ये क्यूटिडेव नहीं लिखा होगा हिंदी में, कुछ लिखा होगा उसको, देखिए सब्सक्राइब हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है यार, मुझे नहीं लगता मतलब हिंदी लिखूंगे तो टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा कुछ इंग्लिश में टाइप करे और हिंदी हो जाए तो काफ़ी कमाल की बात हो गया ना। वो आप ऐसा नहीं कि वर्ड बाय वर्ड करना है, आपको लिख लिया आपने पूरा सेंटेंस जो हिंदी में लिखना था, लिख के उसको कॉपी करके कन्वर्ट कर दीजिए क्यूटिडेव में, और यहाँ पे पेस्ट करके जो फॉन्ट है उसको चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। मुझे उम्मीद है ये मेथड आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मन में कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रोसीजर करने में, नीचे कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए एनी टाइम रेडी हूँ। और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहा है क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियोस और बहुत कुछ ट्यूटोरियल्स इंटरेस्टिंग स्टफ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।